नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी के स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं लेकर आया हूं एक ऑसम लेक्चर हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज में। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं दो पार्ट अपलोड कर चुका हूं जिनमें हमने बात की थी इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में और फिर सेकंड पार्ट में हमने बात की थी नेशनल इवेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्कीम्स जो 2018 में या तो लॉन्च हुई हैं या फिर उनमें कुछ फेरबदल हुआ है, फिर वो चाहे नेशनल स्कीम्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। सेकेंडली हम लोग आज बात करेंगे बिजनेस इवेंट्स के बारे में, जो बड़े बड़े बिजनेस इवेंट्स हुए हैं ना अगस्त महीने में, जैसे आइडिया वोडाफोन का मर्जर, तो इस टाइप के करंट अफेयर। तीसरी हम लोग बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस की करंट अफेयर्स के बारे में। चौथा हम लोग आज बात करेंगे साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स जो कि अगस्त महीने से एसोसिएटेड है। दोस्तों टोटल अगस्त महीने के ऊपर मैं चार या पांच लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, सो दैट आप अपना क्विकली रिवीजन कर सकें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। आपको पूरे अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ बस लेक्चर को देखना है, नोट्स नहीं बनाने, बस देखना है और सारे नोट्स दिमाग में बनाने हैं। सेम लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए और रिवीजन करने के लिए मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा स्ट्रेट जीरो क्लासरूम में या फिर आपके इंस्टा मोजो पे, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ हैविंग सेड दैट, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो लेक्चर है या सीरीज है वो हर उस एस्पायरेंट को जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी या फिर स्टेट पीएससी जो होते हैं, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, वो सब लोग इन लेक्चर्स को देख के लाभ उठा सकते हैं। दे आर कंप्लीटली फ्री, ठीक है। प्लस इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 100 mock questions बनाए हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर के ऊपर, तो इस पीडीएफ में वो क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लेना उनकी। दोस्तों यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, मेरा नाम है आलोक गुप्ता, मैंने ग्रेजुएशन किया है मैनेट भोपाल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा दोस्तों मैंने 2 बार यूपीएससी मेंस भी लिखा है और इसीलिए मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूं। कोशिश है मेरी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ करवा सकूं और आपको एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में उभरने में मदद कर सकूं। नाउ हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हां तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के करंट अफेयर्स में हम 4 sections कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है हम शुरू करते हैं स्कीम्स के साथ, वो सारी स्कीम्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो अगस्त महीने में लॉन्च की गई हैं या उनमें कुछ चेंज किया गया है। सबसे पहला जो करंट अफेयर है दैट इज एसोसिएटेड टू मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है। क्या है स्कीम का नाम? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम किसके लिए है? गर्ल चाइल्ड के लिए है। बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम है नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। तो इन्होंने बिहार की जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो गर्ल चाइल्ड होगी उसके लिए उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ रुपए एलोकेट किए गए हैं, वो रुपए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें यह बोला जाएगा कि अगर एक बार कोई लड़की पैदा होती है किसी भी के घर में तो जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये है स्कीम, सो दैट जो गिरता हुआ हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको ठीक किया जा सके और गर्ल चाइल्ड जो होती हैं जिनके खिलाफ हमारे सोसाइटी में बायसनेस है, जिनके खिलाफ अच्छा एटीट्यूड नहीं है, उसको ठीक करने के लिए स्कीम लेके आए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो उनकी बाइसिकल योजना है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। बाइसिकल योजना में क्या किया जाता है, जो भी बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनको साइकिल दी जाती है या फिर उन साइकिल के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो उसका अमाउंट इंक्रीज कर दिया है, अब उसको बढ़ा के 2500 से 3000 कर दिया गया है। तो क्लियर है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी? बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है गोवा से रिलेटेड। गोवा एक स्टेट है, ठीक है, तो गोवा में क्या हुआ है, पहली बार गोवा स्टेट ने अपनी खुद की ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस चालू की है जिसका नाम है गोवा माइल्स। अब गोवा माइल्स है तो नाम से ही समझ में आ रहा है गोवा के लिए है, और माइल्स एक तरीके से माइल्स यानी डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो यानी टैक्सी सर्विस है, ठीक है। खुद की एक ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस चालू की है, उसका नाम है गोवा माइल्स। गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर पारिकर, जो कि पहले डिफेंस मिनिस्टर भी थे, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। टूरिज्म मिनिस्टर का नाम है गोवा के, उनका नाम है मनोहर अजगांवकर, जो ये टैक्सी सर्विस का नाम है दैट इज गोवा माइल्स।
उसके अलावा इसमें और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। कैबिनेट ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसको एक्सटेंड कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी जो टाइमलाइन थी, सनसेट डेट थी, उसको एक्सटेंड कर दिया है और बोला है कि अब ये 12th 5-year plan के आगे भी चलता रहेगा। 12th 5-year plan का टाइम पीरियड क्या है? 2012 से लेके था, ठीक है, 2017 तक, लेकिन अब इन्होंने बोला है ये इसके बाद भी चलती रहेगी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो ये लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2000 में, और इसका एम क्या है? ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, मतलब जो भी हमारे छोटे छोटे हेमलेट्स होते हैं, गांव होते हैं या माउंटेनियस रीजन होते हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, उन उन सारे एरियाज को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। जितने भी रूरल हैबिटेशन है, इसमें एक लिमिट भी बताई गई है कि अगर कोई रूरल हैबिटेशन है जिसकी लिमिट होती है 500, तो उसको कनेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर उसमें 500 या 500 से ज्यादा घर हैं, या फिर 250 या 250 से ज्यादा लोग रहते हैं माउंटेनियस रीजन में, उन सारे रीजन को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान ये लॉन्च किया गया था 25 सितंबर को। इस अभियान का दूसरा नाम जैसे ही मैं बताऊंगा तो आपको एकदम याद आ जाएगा, आयुष्मान भारत स्कीम जो आई थी ना, ये ही आयुष्मान भारत स्कीम का दूसरा नाम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। ये 25 सितंबर को लॉन्च की गई है, लेटेस्ट स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ये स्कीम। हमारे इंडिया की 10 करोड़ पुअर फैमिलीज को ये 5 लाख का इंश्योरेंस देगी। कितना? 5 लाख सालाना का। अब अगर हर एक फैमिली में ऑन एन एवरेज अगर 5 लोग माने और 10 करोड़ फैमिली है, तो यानी 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस देगी 5 लाख रुपए। इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। और देखिए, हेल्थ केयर में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी। तो इसमें जो आपको इंश्योरेंस अमाउंट है वो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए है, ये याद रखना। आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम है। इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए का, और वो भी 10 करोड़ पुअर फैमिली को, ठीक है। और ये सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। इस स्कीम में कौन है बेनिफिशियरी रहेगा, कौन एलिजिबल रहेगा, ये इसका पता चलेगा हमें जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बेसिस पे, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के हिसाब से इस स्कीम के जो भी बेनिफिट मिलते हैं बेनिफिशियरी को, वो पोर्टेबल रहेंगे। मतलब आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भी आपको जो बेनिफिट होगा वो सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो भी पुअर पर्सन होगा उसको कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, पब्लिक और प्राइवेट, जो भी आइडेंटिफाइड पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे उनके थ्रू। उसके अलावा 1 लाख आयुष्मान मित्रास को भी सेटअप किया जाएगा, जहां पे ये जो आयुष्मान मित्रास हैं एक तरीके से पर्सोनेल हैं जो कि असिस्ट करेंगे पेशेंट्स को एनरोल होने में। तो ये है आपकी आयुष्मान भारत स्कीम या प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, प्लीज याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से रिलेटेड। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी कुछ समय पहले 2013 में, जिसका नाम है कन्याश्री प्रकल्प स्कीम, कन्याश्री प्रकल्प स्कीम। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उनको अवॉइड किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसमें क्या किया जाता था, जो गर्ल चाइल्ड होती थी वो अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में रहती थी और ताकि अपनी मैरिज को डिले कर सके। ये कन्याश्री जो स्कीम है इसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिल चुका है इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हुए। तो अभी इसमें पहले क्या थी, एक सीलिंग लिमिट थी कि अगर किसी फैमिली की इनकम कुछ रुपए तक है तो वो ही लोग एलिजिबल होंगे, लेकिन अब इस सीलिंग लिमिट को हटा दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना, कन्याश्री योजना का ऑब्जेक्टिव है कि जो चाइल्ड मैरिजेस होती है उनको डिले करना, और उसके अलावा ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है, क्लियर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है स्वदेश दर्शन स्कीम से रिलेटेड। स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है? टूर टू कंट्री, ऐसा कुछ है ना इंग्लिश में अगर बोले, टूर टू नेशन या टूर टू कंट्री, स्वदेश दर्शन स्कीम। ये यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है। तो अब इस स्कीम में पहली बार, इस स्कीम का पहला प्रोजेक्ट मणिपुर में लॉन्च किया जा रहा है, मणिपुर में। ये स्कीम तो ऑल इंडिया में रन हो रही थी, लेकिन अब इसको इसका ये स्वदेश दर्शन स्कीम का एक प्रोजेक्ट मणिपुर में लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मणिपुर में पहला प्रोजेक्ट होगा। मणिपुर के गवर्नर का नाम है नजमा ए हेप्तुल्ला। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्किट इम्फॉल एंड कोंगजम। तो ये नॉर्थ ईस्ट सर्किट, जैसे इसके इस ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है इसके तहत बहुत सारे सर्किट बनाए जाते हैं, कृष्णा सर्किट,
राम सर्किट है ना, बुद्धिस्ट सर्किट, तो इस तरीके से सर्किट डेवलप करते हैं। तो अब ये समझ लीजिए, ये है नॉर्थ ईस्ट सर्किट जो कि कवर करेगी इम्फाल और कोंगजम दो साइट्स को। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इस प्रोजेक्ट के तहत दो साइट को सिलेक्ट किया जाएगा, एक है कांगला फोर्ट जो कि इम्फाल मणिपुर में है और दूसरा है कोंगजम। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, सो दैट थीमेटिक सर्किट्स, जैसे कि बताया थीम की कोई एक थीम हो, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है या फिर राम सर्किट है ना, तो ऐसे कुछ डिफाइंड सर्किट्स को रन किया जा रहा है, सो दैट अगर टूरिस्ट आता है और इनरोल करता है तो वो एक साथ सारी साइट्स को विजिट कर सके। ये हो गया स्वदेश दर्शन स्कीम। अब आगे चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है छह स्टेट्स के साथ एमओयू साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये एमओयू किस चीज के ऊपर है, लखवार यमुना बेसिन प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, लखवार यमुना बेसिन प्रोजेक्ट के ऊपर है, और ये जो छह स्टेट्स हैं उनका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वाटर क्राइसिस का इश्यू होता रहता है इन इस एरिया में उसको रिजोल्व किया जा सके। ये एक रिवर लिंकिंग टाइप का प्रोजेक्ट है, लखवार यमुना बेसिन प्रोजेक्ट, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें 90% जो रुपए होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और रिमेनिंग अमाउंट, ये जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो ये जो छह स्टेट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो इसको पे करेंगे। अगला जो इनिशिएटिव है या फिर जो अगला इवेंट है जो अगस्त महीने से एसोसिएटेड है वो है डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स के बारे में। सरकार ने, कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वो कुछ रुपए और इन्वेस्ट करेगी और डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, जैसे कि अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, राइट, या फिर मान लो साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो उनके लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं या डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स होते हैं इनको सेटअप किया जाएगा, और ये सेटअप किए जाएंगे ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, सो दैट इससे क्या होगा, एक तो वार्निंग होगी तो पहले मतलब हम लोग प्री मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी भी डिजास्टर का, दूसरी बात डिसलाइनेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे अलोंग द इंडियन कोस्ट सो दैट वाटर क्राइसिस से निपटा जा सके। ओ स्मार्ट का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है ओशियन सर्विसेस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंसेस, ओ स्मार्ट। और ये जो ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट है ये मॉनिटर करता है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री इसको मॉनिटर करती है ओ स्मार्ट प्रोग्राम को। अगर कोई पूछता है ओ स्मार्ट प्रोग्राम किस चीज के लिए है तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एस्टेब्लिश करना है ना, और उसके अलावा और भी रिलेटेड कामों को प्लेस करना। ये सारे जो इवेंट थे वो हमारे स्कीम सेक्शन से हैं, जैसे ओ स्मार्ट के बारे में बात की, लखवार यमुना बेसिन प्रोजेक्ट के बारे में बात की, आज हमने स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में हम लोगों ने बात की, उसके अलावा हमने कन्याश्री प्रकल्प स्कीम जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, उसके अलावा हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान या फिर आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात की, उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए कमेंट सेक्शन में ये बताना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, अगला जो हमने बात की गोवा माइल्स के बारे में, और हमने बात की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। अब आगे चलते हैं, अगला जो सेक्शन है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे दैट इज बिजनेस एंड बैंकिंग न्यूज, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज, बैंक से रिलेटेड न्यूज होंगी और फाइनेंस से रिलेटेड। पहली जो न्यूज है डीबीएस, डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इस बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट बैंक का क्या अवार्ड मिला है, वर्ल्ड का ही सबसे अच्छा बैंक है इन डिजिटल इनोवेशन, वर्ल्ड का बेस्ट बैंक जो है उसका उसका अवार्ड मिला है डीबीएस को फॉर डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, और ये चीज ये एक तरीके से पहला एशियन बैंक बन गया है जिसको ये एक तरीके से सम्मान मिला है, और ये सम्मान दिया गया है न्यूयॉर्क बेस्ड पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। अगर हम बात करें डीबीएस की तो इसका हेडक्वार्टर है मरीना बे सिंगापुर में, और इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है पीयूष गुप्ता। ठीक है, डीबीएस का क्या मतलब है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस, इसका हेडक्वार्टर है मरीना बे सिंगापुर में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, आरबीआई ने अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकाली है 17-18 एनुअल रिपोर्ट आरबीआई की आई है, उससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारे यहां डीमोनेटाइजेशन हुआ था दिसंबर महीने 2016 में, तो उसमें जो करेंसी थी 99.3% करेंसी वापस आ गई है। अगर मान लो 100 नोट या 1000 नोट थे तो 993 नोट्स वापस आ चुके हैं,
तो इससे तो हमें यह पता चलता है कि जो ब्लैक मनी को कर्व करने का हमने सोचा था कि जो ब्लैक मनी लोगों ने स्टैश करके रखा है, छुपा के रखा है, तो वो खत्म हो जाए। तो ये सोचा था कि अगर मान लो 100 रुपए में से 50 रुपए ब्लैक मनी होगा तो वो तो वापस आ नहीं पाएंगे, तो उसे 50 रुपए वापस आएंगे तो जो ब्लैक मनी होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो डीमोनेटाइजेशन वाला स्टेप था वो विफल रहा ब्लैक मनी को कर्व करने में। अगला इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो है आरबीआई। आपको पता होगा आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, वैसे तो वो ऑटोनॉमस है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बहुत सारे काम करता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करता है, ट्रेजरी बिल इश्यू करता है, ठीक है ना। तो इन सारे कामों के तहत, इन सारों कामों की मदद से क्या होता है, बहुत सारी कमाई होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और ये जो कमाई होती है वो इसको ट्रांसफर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस साल 2018 जून महीने में आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ जो सरप्लस मनी था वो ट्रांसफर किया, ठीक है। आपको एक बात और पता होना चाहिए, अब आप सोच रहे होंगे जून महीने में क्यों ट्रांसफर किया, या तो अप्रैल में करते या जनवरी में करते। तो इसलिए किया क्योंकि जो आरबीआई है वो जून जुलाई जून अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है, मतलब उसका जो साल की वो पूरी अकाउंटिंग देखता है वो जो है जुलाई में उनका शुरू होता है और जून में उनका साल खत्म होता है। जैसे इंडिया में बाकी बिजनेस या स्कूल्स क्या फॉलो करते हैं, अप्रैल टू मार्च वाला सिस्टम, ठीक है ना। अप्रैल में नया साल शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर और मार्च में ये सिस्टम खत्म होता है, लेकिन आरबीआई जो फॉलो करता है वो है जुलाई टू जून। 2017 में आरबीआई ने ट्रांसफर किए थे 30,659 करोड़ रुपए जून में महीने में, तो आप देख सकते हो ये इंक्रीमेंट हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें इससे पहले जो जब आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने वो ट्रांसफर कर रहे थे लगातार 2 सालों, उन्होंने ट्रांसफर किए थे 65,800 करोड़। तो आप देख सकते हो रघुराम राजन कितना अच्छा काम कर रहे होंगे। दैट इज इट। तो ठीक है, बस आपको यहाँ पे मेन जो बात याद रखनी है वो क्या रखनी है, आरबीआई जुलाई से लेके जून वाला अकाउंटिंग ईयर फॉलो करता है। इज दैट क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आरबीआई है, आपको पता होगा रेपो रेट डिक्लेयर करता है। रेपो रेट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेपो रेट क्या होता है, आप में से वैसे तो काफी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए जो बैंक होता है, बैंक के पास आप क्या जाते हो, रुपए उधार लेने जाते हो, तो आप उन्हें पे करते हो कुछ रुपए रुपए सॉरी आप बैंक में जाते हो, बैंक में कुछ रुपए जमा करते हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और अगर लोन लेते हो तो उस पर आपको रुपए पे करने पड़ते हैं। सिमिलरली जब बैंकों को जरूरत पड़ती है रुपए की तो वो जाते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई से कुछ दिन के लिए रुपए उधार लेते हैं। जब वो उधार लेते हो तो उसके ऊपर चार्ज करता है आरबीआई उनके ऊपर रेपो रेट, मतलब अगर मान लो उन्होंने 100 रुपए लिए तो उनको 6.5 रुपीज का ब्याज देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी। और ऐसी ही एक और रेट होती है जिसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। अगर मान लो कोई बैंक के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो अपने बैंक अगर उसके पैसे वो अगर आरबीआई के पास जाके जमा करवाता है तो इसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट, तो उसे इतने रुपए मिलेंगे। आर यू गेटिंग इट। उसके अलावा एक होती है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई बैंक लॉन्ग टाइम के लिए आरबीआई से रुपए उधार मांगता है तो उसको बैंक रेट माने इतनी रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आरबीआई के गवर्नर का नाम है उर्जित पटेल। तो अब यहां पे क्या डेटा याद करना है कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट कर दिया। 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% इंक्रीज कर दिया है। तो पहले 6.25% थी, अब ये बढ़ा के 6.5% कर दिया है कि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से पैसे लेगा तो उसको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, और रिजर्व रेपो रेट है 6.25%, ठीक है। ऐसी जो रेट्स होती हैं वो 2 मंथ में एक बार डिक्लेयर करता है आरबीआई, यानी साल में 6 बार ऐसी रेट्स डिक्लेयर करता है। ये इस साल की थर्ड बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू के दौरान उन्होंने अनाउंस किया था। अगर हम बात करें बैंक रेट की या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की, तो इसकी दर है 6.75%। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार लेता है आरबीआई से कोई भी बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो उसे 6.75% पे करना पड़ेगा। प्लीज याद रखना रेपो रेट क्या होता है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। क्लियर है। अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है, आपको पता होगा जो एटीएम्स होते हैं, एटीएम से आज आके आप पैसे निकाल लेते हो, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड ट्रेलिंग मशीन। तो जब आप एटीएम से रुपए निकालते हो तो उसमें कोई कोई रुपए डालना होगा, तो पहले जो रुपए डालने कभी भी रुपए डालते थे लेकिन इससे क्या होता था, रॉबरी होने के चांसेस, मनी की चोरी हो जाती थी, इधर उधर हो जाता था। तो इसीलिए अब इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया है, एक लिमिट लगा दी गई है। अगर किसी भी सिटी के एटीएम को रीफिल करना है पैसे से तो वो 9 बजे से पहले पहले करना होगा, अगर रूरल एरिया में करना है तो 6 बजे से पहले पहले करना होगा, और नक्सल अफेक्टेड एरिया होगा तो 4 बजे से पहले पहले करना होगा। इज दैट क्लियर। ये जो मूव लिया गया है, अभी कुछ टाइम पहले पुणे का एक कॉस्मोस बैंक था उसके कुछ 94 करोड़ रुपए इसका घोटाला हो गया,
तो उसी के बाद ये स्टेप लिया गया, ये टाइम लिमिट आई, और ये भी बताया गया कि एक बार में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए किसी भी बैंक में नहीं जा सकते फॉर रिफिलिंग पर्पसेस। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, वर्ल्ड बैंक, आपको पता होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो इसने क्या किया है, वर्ल्ड का सबसे पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड इश्यू करने की परमिशन दी है किसी एक बैंक को। तो वर्ल्ड की सबसे पहली ब्लॉकचेन बॉन्ड, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है जो एक तरीके से काफी सिक्योर ट्रांसपेरेंट तरीके से पेमेंट सिस्टम को इनेबल करती है, ठीक है, तो ये डिजिटल पेमेंट में काफी यूज होती है। तो ब्लॉकचेन बॉन्ड को इश्यू करना, सबसे पहला वर्ल्ड का ब्लॉकचेन बॉन्ड जो इश्यू करने का इजाजत वर्ल्ड बैंक ने दी है, और ये इजाजत दी गई है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। तो याद रखना, वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड कौन इश्यू करेगा, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन बॉन्ड को कंगारू बॉन्ड भी बोला जाएगा, कंगारू बॉन्ड, और उसके अलावा ये जो कंगारू बॉन्ड है, रेफरिंग टू दी फॉरेन बॉन्ड्स इश्यूड इन ऑस्ट्रेलिया इन आर लोकल करेंसी, हैज बीन नेम्ड बॉन्ड आई, बॉन्ड आई एन एक्रोनिम स्टैंडिंग फॉर ब्लॉकचेन ऑफर न्यू डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी इंसान अगर आता है और ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई बॉन्ड को लॉन्च करता है तो उसी बॉन्ड को कंगारू बॉन्ड बोला जाएगा, और उसी को अब रीनेम कर दिया गया, उसको बोला है बॉन्ड आई। बॉन्ड आई क्या है, एक आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। तो बस याद रखना, ब्लॉकचेन बॉन्ड कौन रिलीज करेगा, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसकी परमिशन वर्ल्ड बैंक ने दी है। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने $375 मिलियन का एक लोन साइन किया है, इंडिया और एडीबी ने $375 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। इससे क्या किया जाएगा, इस लोन से या जो पैसे मिलेंगे इससे इरीगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव की जाएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक इरीगेशन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के लिए यह लोन साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड एडीबी, सो दैट 125,000 हेक्टेयर में हम लोग एक एफिशियंट और रेजिलियंट इरीगेशन नेटवर्क बिछा सकें। प्लीज याद रखना, एमपीपीएससी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसको, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, तो वो भी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ये भी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है ताकाहिको नकाओ, ताकाहिको नकाओ। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें जापान और यूएसए, इनके ये सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। चलिए ये बताइए, जो एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है AIIB, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सिमिलरली NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रैंक किया गया है इंडिया का मोस्ट पेट्रियोटिक ब्रांड, जैसे बहुत सारी ब्रांड्स होती है ना, उन्हीं में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सबसे पेट्रियोटिक ब्रांड बोला गया है। ये बात पता चलती है मैं एक यूके बेस्ड ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स फर्म YouGov के द्वारा, जो कंट्री की लार्जेस्ट YouGov जो है उनने ये बोला है कि जो इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट लेंडर भी है, वो सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक ब्रांड है। उसके बाद है टाटा मोटर्स, फिर पतंजलि, फिर रिलायंस जियो, फिर BSNL। SBI ने, आपको पता होगा कुछ समय पहले SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उसके जो एसोसिएटेड बैंक्स थे, 6 एसोसिएट बैंक्स प्लस जो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो था महिला, हाँ भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, इनको मर्ज किया गया था, ठीक है, मर्ज किया गया था। तो अब जब आफ्टर दिस मर्जर SBI ने क्या किया, कम से कम 1300 अपनी ब्रांच के नाम बदले हैं और उनके IFSC कोड बदले हैं। तो बस आपको तो यहां पर यह याद रखना है कि मर्जर हुआ था SBI का अपने एसोसिएटेड बैंक्स के साथ, 6 एसोसिएटेड बैंक और एक भारतीय महिला बैंक। HDFC को अवार्ड मिला है, HDFC एक बैंक है, ठीक है, तो इसको अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन CLSS स्कीम। CLSS स्कीम क्या है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ये यूनियन गवर्नमेंट चलाती है। इसमें क्या करती है, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मर्स को लोन देते हैं, तो अगर फार्मर्स अपना लोन प्रॉपरली रिटर्न करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ सब्सिडी दे देती है, इंटरेस्ट सब्सिडी, है ना। तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम भी ये सरकार की स्कीम है और उसमें सबसे अच्छा काम किया है HDFC बैंक ने।
ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होती है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये LIGs के लिए, लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए चलाई जाती है। और ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, वो आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके चार वर्टिकल हैं, तो उसी में से एक वर्टिकल है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, उसी के लिए HDFC को ये अवार्ड मिला है, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया, किसके साथ? SBI के साथ। तो पेपर में आ सकता है NHAI ने किसके साथ अभी एक 25,000 करोड़ का लोन साइन किया है, MOU साइन किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अब आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को मना कर दिया है कि अब वो नए कस्टमर्स को एनरोल नहीं कर सकते। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि पेमेंट बैंक है क्या, पेमेंट बैंक ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं, मतलब ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। आपको पता होगा पेमेंट बैंक में जो जो जिसको भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिलता है, वो किसी भी कस्टमर को एनरोल तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक वो जो उनका कस्टमर होगा वो 1 लाख से ज्यादा रुपए डिपॉजिट नहीं कर सकता उसमें एक टाइम पर, ठीक है ना। पर ये जो लिमिट थी इसको ब्रीच किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। ये है फिनो पेमेंट बैंक, ये स्पेशल बैंक होते हैं, ये हमारे यहां फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को। ये क्या कहते हैं, ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, ये क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं दे सकते किसी को, ठीक है, चेकबुक वगैरह नहीं रिलीज, चेकबुक तो दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, तो ये सारे, ठीक है। अगर हम बात करें पेमेंट बैंक वगैरह के बारे में, तो प्लीज आप इसमें थोड़ा अच्छे से जान लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो प्लीज एंड प्लीज देख लेना। SBI ने लॉन्च किया है यूनिफाइड पेमेंट टर्मिनल, जिसका नाम है मोपड, मोपेड कह लो या मोपड कह लो, तो ये लॉन्च किया गया है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मोपड है क्या, ये एक यूनिफाइड पेमेंट टर्मिनल है, यूनिफाइड पेमेंट टर्मिनल, और इसको किसने लॉन्च किया है, SBI ने। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है और इसका फुल फॉर्म है मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। मल्टी ऑप्शन मतलब जैसे अगर आप पे करने जाते हो तो आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे, आप पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, आप कैश दे दो, कैश नहीं सॉरी। तो मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस को लॉन्च किया है विशाखापट्टनम में। ये जो नई डिवाइस होगी ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का काम करेगी। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या होते हैं, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो तो आप अपने कार्ड देते हो, तो उसको रीड करने वाली मशीन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के तौर पे काम करेगी, जो कार्ड पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी, UPI को एक्सेप्ट कर लेगी, भारत QR को एक्सेप्ट करेगी, SBI बड़ी वॉलेट को एक्सेप्ट करेगी। तो इसीलिए मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, क्लियर। हाल हाल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल जो है वो पहली PSU बन गई है जिसने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन किया है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसने ट्रांजैक्ट किया ट्रेड्स स्कीम या ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे। ट्रेड्स क्या है पहले तो ये जान लो, ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसका ये MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक स्कीम लेके आए थे जिसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम पे सबसे पहला ट्रांजेक्शन करने वाली कोई कंपनी है तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है जो मैंने आपको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बताया, ये एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये फैसिलिटेट करता है फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स। अक्टूबर 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मैंडेटेड कर दिया था कि जितने भी PSU हैं उनको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हाल तो एक बहुत बड़ी PSU है लेकिन जो MSME वाले लोग काम करते होंगे तो वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्ट करने वाली हाल जो है वो पहली कंपनी बन गई है। उसके अलावा जो RXIL है जिसको बोलते हैं रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग कंपनी बन गई है एंड इज प्रमोटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपको पता होगा इंडिया में जो पोस्टल है, पोस्टल विभाग है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसका नेटवर्क सबसे ज्यादा बड़ा है और इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए जितने भी इंडिया के पोस्ट ऑफिसेस थे उनको पेमेंट बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब वो पेमेंट को भी ले और दे सकते हैं। तो इसी का पहला इंडियन जो मोदी जी है इन्होंने इंडियन पोस्ट बैंक को लॉन्च किया, वॉज रिसेंटली रीशेड्यूल्ड इन द वेक ऑफ 77 डे नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर्ड आफ्टर द डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो मतलब पहले इसको रीशेड्यूल किया गया था, दैट इज फाइन। गवर्नमेंट ने रैंक की है PNB को एज द बेस्ट
स्टेट रन बैंक फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस। भले ही ठीक है नीरव मोदी ने पीएनबी में घोटाला किया था, स्टिल आफ्टर पंजाब नेशनल बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया है बेस्ट स्टेट रन बैंक, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है तो बेस्ट स्टेट रन बैंक फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। ये जो ये डिजिटल ये एक्चुअली ये दिखाया गया है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है वो कितना डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के लिए कार्यरत है। तो ये सारी न्यूज़ेस थी हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में। हमने बात की पीएनबी को बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया जा रहा है, उसके अलावा हाल जो है पहली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गई है जिसने ट्रेड्स पे ट्रांजैक्ट किया, उससे पहले पहली कंपनी जिसने ट्रांजैक्ट किया था वो है RXIL, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है ठीक है, तो ये भी पहले ट्रांजैक्ट कर चुकी है। उसके अलावा SBI ने एक मोपेड नाम का टर्मिनल लॉन्च किया है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। फिनो पेमेंट बैंक को अब बना कर दिया गया है कि आप और किसी को एनरोल नहीं कर सकते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है SBI के साथ। HDFC को बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का अवार्ड मिला है फॉर CLSS स्कीम। आज हम लोगों ने और बात की कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मोस्ट पेट्रियोटिक ब्रांड के तौर पे देखा गया। हमने इसके अलावा बात की इंडिया और ADB ने एक 375 मिलियन लोन का एक क्या कहते हैं डॉलर लोन का एक MOU साइन किया है फॉर इंप्रूविंग दी इरीगेशन इन मध्य प्रदेश। वर्ल्ड का सबसे पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड जो है वो रिलीज किया जाएगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ATM के लिए अब टाइम लिमिट टू रिफिल टाइम लिमिट अनाउंस कर दी गई है, और ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि एक वैन में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं जा सकते। रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है RBI के द्वारा। हमने आज बात की कि RBI ने किस तरीके से अपनी जो इनकम की थी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर की है, और हमें यह भी पता चला कि डीमोनेटाइजेशन वॉज अ नॉट गुड आइडिया। और DBS बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है फॉर इट्स डिजिटल इनोवेशन। तो इस तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंस के सारे न्यूज समाप्त होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ बिजनेस न्यूज के बारे में। वोडाफोन और इंडिया का आइडिया का मर्जर हुआ था आपको पता होगा, तो इस मर्जर के बाद ये इंडिया का बिगेस्ट टेलीकॉम सेक्टर बन गया है, बिगेस्ट टेलीकॉम, उसके अलावा लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर तो ये बनी गया है इंडिया का। कौन कौन? वोडाफोन और आइडिया ने मर्ज किया है ठीक है। इन्होंने इससे पहले जो टॉप पे थी वो थी आपकी भारतीय एयरटेल, तो अब इन्होंने भारतीय एयरटेल को पीछे कर दिया है और अब ये इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया का जो बोर्ड है उसके चेयरमैन बोर्ड था उन्होंने बालेश शर्मा को एज अ CEO अपॉइंट किया है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। क्या है नाम? बालेश शर्मा। तो बालेश शर्मा को अब जो ये नई एंटिटी बनी है वोडाफोन आइडिया, इसके CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया है वोडाफोन आइडिया बोर्ड के द्वारा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अंबानी की जो रिलायंस जियो है वो टॉप फॉर्च्यून्स का अच्छा ओके फॉर्च्यून एक कंपनी है जो कि बहुत सारी लिस्ट निकालती रहती है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक लिस्ट निकाली है चेंज दी वर्ल्ड लिस्ट, इसमें रिलायंस जियो जो है अंबानी की कंपनी उसने टॉप किया है। इज दैट क्लियर? रिलायंस जियो का टॉप स्पॉट आया इन फॉर्च्यून्स ग्लोबल चेंज दी वर्ल्ड लिस्ट में। चेंज दी वर्ल्ड लिस्ट कौन लॉन्च या रिलीज करता है? वो है फॉर्च्यून्स ठीक है। और इसमें टॉप स्पॉट किसका है? मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो का। अलीबाबा जो चाइनीज ग्रुप की एक कंपनी है उसकी फिफ्थ आई है वो। इज दैट फाइन? रिलायंस जो है वो इंडिया की पहली कंपनी बन गई है, फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8 ट्रिलियन रुपीज की। 8 ट्रिलियन रुपीज की सबसे पहली इंडियन कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हमने इससे पहले वाले में बात की थी लेक्चर में बात की थी कि वर्ल्ड की सब पहली कंपनी जो जिसका मार्केट एवेल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन है $1 ट्रिलियन वो कौन सी है? एप्पल। और अभी हम देख रहे हैं 8 ट्रिलियन रुपीज के साथ मार्केट कैप के साथ इंडिया की ये पहली कंपनी है रिलायंस। इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज थी, अब उसको पिछाड़ दिया गया है। नोकिया ने वर्ल्ड की फर्स्ट बिग 5G डील को साइन किया वर्थ ₹3.5 बिलियन। ठीक है, तो अगर ये आता है कि वर्ल्ड की पहली 5G डील किसने साइन की तो दैट इज नोकिया। नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, विल सप्लाई टी मोबाइल। टी मोबाइल जो है वो थर्ड बिगेस्ट US मोबाइल कैरियर है, तो याद रखना टी मोबाइल जो है वो US बेस्ड मोबाइल कैरियर कंपनी है, नोकिया जो है वो फिनलैंड बेस्ड कंपनी है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है 5G नेटवर्क को लेके ठीक है।
आगे चलते हैं। रिलायंस ने टीसीएस को बीट कर दिया है और इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गई है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। 7 इंडियन फर्म्स फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आए हैं। आईओसी रिमेन्स टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी, ठीक है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट जो कंपनीज के लिए आती है, यूएस मैगजीन फॉर्च्यून 500, इसमें इंडिया के 7 फर्म्स हैं। तो वो कौन कौन से फर्म्स हैं आप देख सकते हो, और इसमें टॉप किया है वॉलमार्ट ने, वॉलमार्ट ने। तो वो 7 कंपनीज के नाम आप यहां पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ बिजनेस की जितनी भी न्यूज थी वो समाप्त होती है। हम लोगों ने देखा फॉर्च्यून 500 लिस्ट के बारे में, इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी के बारे में, उसके अलावा हमने बात की नोकिया और टी मोबाइल के बीच में हुआ एक 5G डील के बारे में, उसके बाद हमने बात की कि किस तरीके से रिलायंस जो है 8 ट्रिलियन रुपीज के साथ मार्केट कैप के साथ इंडिया की पहली कंपनी बन चुकी है। अंबानी की जो रिलायंस जियो है वो चेंज द वर्ल्ड लिस्ट में टॉप पे आई है, और वोडाफोन आइडिया मर्जर के बाद ही इंडिया की बिगेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं, और इनके सीईओ है बालेश शर्मा। क्लियर दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी साइंस एंड टेक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। साइंस एंड टेक में दोस्तों नासा जो है, नासा ने एक पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया है। पहली बात तो पार्कर सोलर प्रोब ये किसका प्रोजेक्ट है, नासा का है। नासा जो है यूएस की एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो इन्होंने पार्कर सोलर प्रोब किया, ये जो मिशन है इसका क्या काम रहेगा, सन का जो फोटोस्फीयर है या कोरोना है उसकी स्टडी करना। पार्कर सोलर प्रोब, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये लॉन्च कर रहे हैं ये पार्कर सोलर प्रोब को, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो सन का मिस्टीरियस एटमोस्फियर है कोरोना, उसमें प्लंज करके उसकी स्टडी करेंगे। ये नासा का पहला मिशन होगा जो कि नेम्ड आफ्टर अ लिविंग पर्सन, मतलब ये नासा का पहला मिशन है जो कोई जीते जागते इंसान के ऊपर है। यूजीन पार्कर एक साइंटिस्ट है, उनके ऊपर है पार्कर सोलर प्रोब। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, गूगल ने एंड्रॉयड 9 वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम है पाई। आपको पता होगा जैसे आते रहते हैं ना एंड्रॉयड 2, एंड्रॉयड 2.3, एंड्रॉयड 3, एंड्रॉयड 4.0, तो इनके कुछ कुछ नाम होते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 आ रहा है जिसको गूगल ने लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, पाई। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स के लिए, मोबाइल्स के लिए। जैसे कि आप विंडोज यूज करते हो लैपटॉप के लिए, ऐसे ही मोबाइल में अगर आपको चलाना है तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के वर्जन आते रहते हैं, तो जो वर्जन 9 है उसका नाम रखा गया है पाई। एंड्रॉयड 9 वर्जन किसने लॉन्च किया, गूगल ने, इसका क्या नाम है, पाई। देखिए जैसे कि और भी देखें, जैसे 1.5 आया था तो उसका नाम था कपकेक, 1.6 आया उसका नाम डोनट। सिमिलरली अगर इससे पहले कौन सा आया था, एंड्रॉयड 8 या 8.1, उसका नाम था ओरियोस, ठीक है, ओरियो। तो क्लियर है, बस इतना सा इसमें याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 इंडिया की इसरो जो स्पेस एजेंसी है उसका प्रोग्राम था मून पे अपना ऑर्बिटर भेजना, ठीक है, मून पे अपना ऑर्बिटर भेजना और मून की स्टडी करना। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और ये इसका मेन क्या काम था कि सॉलिड आइस की प्रेजेंस को कंफर्म करना कि मून की सरफेस पे सॉलिड आइस है, ठीक है। और अभी आपको पता होगा रिसेंटली मतलब इसी साल जो आपका इसरो है वो चंद्रयान 2 वाला मिशन भी भेजने वाला है जिसमें आपका ऑर्बिटर भी होगा, लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा। ये क्या होते हैं, देखिए ऑर्बिटर क्या करता है, कोई भी प्लेनेटरी बॉडी के बस चक्कर काटता है। अगर उसमें हम लैंडर और लगा दें तो फिर क्या होगा, ये जो ऑर्बिटर होगा वो नीचे उतर के आ जाता है उस प्लेनेटरी बॉडी पे और फिर रीडिंग्स लेता है। और अगर उसमें रोवर और लगा दें तो वो क्या करता है, उतरने के बाद पूरे प्लेनेटरी बॉडी के चक्कर भी लगाता है और ज्यादा अच्छे से डेटा कलेक्ट करता है। तो ये होता है रोवर, समझ गए। तो चंद्रयान 1 में नहीं था, हमारे चंद्रयान 1 में रोवर नहीं था, और ये सॉलिड आइस की स्टडी के लिए था। इसरो ने लॉन्च किया था 2008 में किया था। नासा ने 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं सो दैट स्पेस में जाने वाले जो भी ह्यूमंस होते हैं वो वहां पे सेल्फीज ले सके, स्पेस सेल्फीज। इनके ये जो 2 एप्लीकेशन है इनका नाम क्या है, एक है सेल्फी ऐप और दूसरा है एक्सोप्लैनेट एक्सकर्शन वर्चुअल रियलिटी ऐप, ठीक है। तो ये 2 ऐप को किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया। इन ऐप की मदद से क्या होगा, आप स्नैपशॉट ले पाओगे अपना खुद का इन अ वर्चुअल स्पेस सूट पोजिंग इन फ्रंट ऑफ गॉर्जियस कॉस्मिक लोकेशंस, ठीक है। तो एक तरीके से वर्चुअल रियलिटी पे ये काम करेगा, जैसे मैं हूं, मुझे दिखाना है कि ओके आई एम अ एस्ट्रोनॉट और मैं मून पे फोटो ले रहा हूं, तो मैं इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता हूं, सेल्फी ऐप या एक्सोप्लैनेट एक्सकर्शन वर्चुअल रियलिटी ऐप। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या था, वो होता है ऐसे प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, उनको कहते हैं एक्सोप्लैनेट। नासा जो है, नासा लॉन्च कर रहा है एक आइस क्लाउड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट, मतलब उसका नाम होगा आइस सेट,
आइस सेट टू नाम से नासा एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, ये क्या करेगा अर्थ पे? आपको पता होगा आइस मेल्ट हो रही ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से जो अर्थ सरफेस पे आइस जमा है वो अब पिघल रही है, स्पेशली एंटार्क्टिका वगैरह में। तो इसी को मेजर करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है आइस सेट टू नासा के द्वारा। इससे पहले भी नासा ने एक और सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च की थी जिसका नाम था एटलस। एटलस क्या है? एडवांस टोपोग्राफिक लेजर ऑल्टीमीटर सिस्टम। ठीक है, टोपोग्राफी यानी सरफेस की जो टोपोग्राफी होती है ना, ऊंचाई नीचाई, उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ऑल्टीमीटर। तो इसीलिए एटलस जो था वो क्या करता था, वो टोपोग्राफी को मेजर करता था। अब इसके लिए अब जो नासा है, नासा एक और सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है आईसेट टू। पेपर में आएगा आईसेट टू क्यों है, तो बोला ये जो मेल्टिंग आइस है उसको मेजर करने के लिए। कौन ने लॉन्च की है? नासा ने लॉन्च की है। आईसेट टू का फुल फॉर्म देखें तो आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। आइस को भी मेजर करेगी, क्लाउड की थिकनेस को मेजर करेगी और लैंड एलिवेशन को मेजर करेगी। वर्ल्ड की पहली हिंदी स्पीकिंग रोबोट का नाम है रश्मि। तो याद रखना रश्मि क्या है, ये वर्ल्ड की पहली हिंदी स्पीकिंग रोबोट होगी। इसको डिजाइन किया है रांची बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर रंजीत श्रीवास्तव ने। रंजीत श्रीवास्तव ने एक रोबोट बनाया जो कि हिंदी बोलती है और इसका नाम है रश्मि। अगला इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है ई अक्षरयान। ई अक्षरयान इन 7 इंडियन लैंग्वेज। देखिए ई अक्षरयान क्या करेगा, अभी अगर मान लो कोई भी आपके पास कागज है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डिजिटल, आपने उसका फोटो खींच लिया, अब आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो, और वो अगर मान लो कोई इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी में, आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो। इसको एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है ई अक्षरयान, कि हिंदी के डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करोगे और जो वो अब अनएडिटेबल मोड से उसे आप एडिटेबल मोड में ला सकते हो। अभी तक ये सारे जो मोड्स होते हैं वो इंग्लिश के लिए होते हैं, जैसे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसा ही सॉफ्टवेयर है ई अक्षरयान। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर 7 इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे कि कौन कौन सी, हिंदी में, बांग्ला, मलयालम, गोरमुखी, तमिल, कन्नड़ या एसमीज में है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा और उसको आप फिर एडिट कर सकते हो ई अक्षरयान। याद रखना ये फ्री डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जो स्कैंड प्रिंटेड इंडियन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट को फुली एडिटेबल मोड में चेंज कर देगा। गॉट इट? इंडिया का मून मिशन चंद्रयान 2, आपको जैसे मैंने बताया कि इंडिया अपने मून पे दूसरा मिशन भेज रहा है जिसका नाम है चंद्रयान 2, इसको डिले कर दिया गया है। अब ये पहले ये रिलीज किया जा रहा था अक्टूबर में, पर अब इसको डिले कर दिया है जनवरी में। ठीक है, और ये इंडिया जो इसरो होगा, ये इसरो का पहला अटेम्प्ट होगा जब वो मून पे रोवर भी भेज रहे होंगे। और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रोवर क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। पहले बस हमने ऑर्बिटर भेजा था, अब ये इसरो पहली बार मून पर रोवर भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कोशिश की गई थी कि चंद्रयान 2 को अप्रैल में भेजा जाए, पर उसको पहले डिले कर दिया गया, फिर बोला गया अक्टूबर में भेजा जाएगा, फिर डिले कर दिया, अब बोला जा रहा है जनवरी 2019 में भेजा जाएगा। ठीक है, इसरो अपनी हैवीएस्ट सैटेलाइट जीसेट 11 को लॉन्च करेगा नवंबर 30 को, जीसेट 11। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सैटेलाइट्स होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, जियोसिंक्रस होती हैं, जियो स्टेशनरी होती हैं। ठीक है, और इनको लॉन्च करने वाले व्हीकल्स होते हैं उनको बोलते हैं PSLV या GSLV। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और PSLV का क्या होता है, चलो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जीसेट 11 हैवीएस्ट सैटेलाइट होगी इंडिया की। उसके अलावा जीसेट का फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। जियोसिंक्रोनस एक ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट में जाने वाली सैटेलाइट जीसेट होती है। इसरो के चेयरमैन अभी कौन है, के शिवम यहां पे इसरो के चेयरमैन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है मैन्ड मिशन टेकिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस ऑन बोर्ड गंगयान। तो अगर यह पूछा जाए गगनयान क्या है, गगनयान इंडिया का मिशन है जिसके तहत 2022 तक ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में भेजने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा। इसरो 2 अनमैन्ड मिशन भेजेगा और स्पेसक्राफ्ट भेजेगा GSLV Mark III की मदद से। GSLV Mark III क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से हम लॉन्च करेंगे। ये फुली इक्विप्ड होगा क्रू मॉड्यूल के साथ और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ। ठीक है, तो गगनयान क्या है, गगनयान है इंडिया का मिशन जिसका ऑब्जेक्टिव है 2022 से पहले इंडियन ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया जा सके। और ये जो मिशन होगा गगनयान, ये GSLV Mark III की मदद से किया जाएगा। अगर इंडिया सक्सेसफुल हो जाएगा इस मिशन में तो इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा नेशन हो जाएगा जो ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को आसमान में भेजता है और वापस लेके आता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया नीटा ऐप टू रेट MPs एंड MLA।
आप किसी भी एमपी और एमएलए को मेजर यानी उनको रैंक कर सकते हो उनके परफॉर्मेंस, पर्सनैलिटी या उनकी क्रेडिबिलिटी को देख के। नीटा ऐप, नीटा ऐप क्या है? नीटा ऐप है नेशनल इलेक्ट्रोरल ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट कार्ड ऐप, ठीक है। तो नीटा के बारे में याद रखना, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हमारे प्रणब मुखर्जी ने, और इसको डिजाइन किसने किया है? प्रथम मित्तल ने, प्रथम मित्तल। यहाँ पे वोटर जो होगा वो रिव्यू कर सकता है और रेट कर सकता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को और उनको अकाउंटेबल ठहरा सकता है। तो नीटा ऐप के बारे में प्लीज याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल ने लॉन्च किया नवलेखा करके एक सॉफ्टवेयर फॉर इंडियन लैंग्वेज पब्लिशर्स। ये सॉफ्टवेयर है नवलेखा, इस ये एक तरीके से नवलेखा का अगर मतलब देखा जाए, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है न्यू वे टू राइट, न्यू वे टू राइट। तो अब इसमें क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो इंडियन पब्लिशर्स हैं वो अपने ऑफलाइन कंटेंट को डिजिटलाइज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग इंस्टेंट वेब पेज यूजिंग स्कैन डॉक्यूमेंट और पीडीएफ्स। नवलेखा, नवलेखा किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, अगर मान लो आज मैं पहले था, मैंने कोई किताब लिखी थी, अब इस किताब की मुझे डिजिटल कॉपी बनानी है, वो तो मैं बना नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको स्कैन करूंगा और तुरंत इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसको प्रॉपर एक बुक फॉर्मेट में बना सकता हूं। ये गूगल ने लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? नवलेखा। तो हम लोगों ने आज बिजनेस सेक्शन में क्या क्या बातें की, गूगल ने नवलेखा लॉन्च किया, नेता नाम की एक एप्लीकेशन आई है, उसके अलावा गगन यान जो इंडिया का मिशन होगा, स्पेस मिशन, इंडिया की हैवीएस्ट सैटेलाइट GSAT-11 नवंबर 30 को लॉन्च की जाएगी। जो चंद्रयान 2 है उसको डिले कर दिया गया है। ई अक्षरयान एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट इंडियन लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट को एडिटेबल मोड में फॉर्मेट किया जा सके। वर्ल्ड की पहली हिंदी स्पीकिंग रोबोट रश्मि, जो कि रांची बेस्ड सॉफ्टवेयर बंदे ने बनाई है। ISAT-2 जो कि नासा की एक सैटेलाइट सिस्टम है। नासा ने दो ऐप लॉन्च किए हैं, एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है सेल्फी ऐप और एक्सोप्लैनेट एक्सकर्शन वर्चुअल रियलिटी ऐप। चंद्रयान 1 जो है उसने आइस को कंफर्म किया है मून पर। गूगल ने अपना एंड्रॉइड 9 वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है पाई। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च कर दिया है टू स्टडी दी सन का कोरोना वाला रीजन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे साइंस एंड टेक के सारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अब दोस्तों जो डिफेंस की न्यूज है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया, प्लीज आप इसको अच्छे से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए और जो क्वेश्चन पूछे उनको उनके आंसर दीजिए। और आपको एक और एडवाइस करना चाहता हूं, जो मैं ये पीडीएफ अपडेट करता हूं तो इनके जो मॉक करेंट अफेयर्स हैं इनके ऊपर मैंने कुछ मॉक क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, तो प्लीज आप उनकी प्रैक्टिस करो और पता करो आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर दोस्तों कोई क्वेरी आती है तो प्लीज आप मुझे इस ईमेल आईडी पर या इस मोबाइल नंबर पर फोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी भी किसी दोस्तों को, किसी फ्रेंड्स या किसी को व्यूअर को प्राइवेट वीडियोस देखने में के बारे में नहीं पता कि उनको कैसे देखना है, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे देखनी है, तो वो लोग मुझसे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं उनको इन वीडियोस का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों इस लेक्चर को रिव्यू करना ना भूलें कि ये बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा या फिर इसमें मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली। All the very best for your preparation. मिलेंगे next lecture में next month के current affairs के साथ. Till then, दस विदानियां.